नमस्कार। आज का टॉपिक है कि हमारे बच्चे कितने सेफ हैं अगर हम उनको स्कूल जाने देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 1 सितंबर से स्कूल कॉलेजेस सब खुल रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान। अब अगर हम इसको एक साइंटिफिकली समझें इस बात को, तो यस, अभी दो कैटेगरी के में हम बच्चों को बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है छोटे बच्चों से लेके 12 साल तक के बच्चों को, और दूसरी है 12 से 18 के बच्चों के लिए। तो बहुत जल्दी 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट आने वाली है। विद इन अ वीक मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, इसका प्रोडक्शन अभी ऑन है। और एक से जो बाकी छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको अभी तक ग्लोबली कोरोना ने तंग नहीं किया है। अगर वो इन्फेक्ट भी हुए हैं तो या तो वो एसिम्प्टोमेटिक थे या उनमें इन्फेक्शन बहुत माइल्ड था, माइल्ड कैटेगरी और एसिम्प्टोमेटिक था। अब प्रश्न ये आता है कि क्या हमें थर्ड वेव आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। यूएस में आज की डेट में 1 लाख से ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं। आज 31 अगस्त है 2021। क्या हम अपने बच्चों को सेफली भेज सकते हैं या क्या हमें वेट करना चाहिए? एजुकेशन जो है बच्चों की फाउंडेशन होती है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हम सबकी लाइफ में, और स्पेशली बच्चों की एजुकेशन। कोरोना इज गोइंग टू स्टे विद अस फॉरएवर। कोरोना हमारे साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। ये ऐसा तो है नहीं कि ये चला जाएगा 6 महीने साल भर के अंदर। कोरोना हमेशा यहां पर रहने वाला है। अब क्या किया जाए? अब किया ये जाए कि हमें अपने बच्चों को कोरोना से डील करने के लिए फुली ट्रेन करके उनको स्कूल में भेजना चाहिए। फुली ट्रेन करने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं कोरोना से डील कैसे किया जाए, उनको अवेयरनेस कराते हैं, तो चांसेस ये हैं कि उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, वो बहुत सेफली इस थ्रेट से बाहर रह सकते हैं। अब उनको कैसे ट्रेन किया जाए? सबसे पहले आप उनको बताइए, आप ये मत सोचिए, 3 साल के अंदर अंदर जन्म से हमारा ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये छोटा बच्चा है, इसको नहीं समझा सकते। आप उनको बिल्कुल समझाइए। आप सबसे पहले ये बताइए कि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो इट्स अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, जो हमारे शरीर में मुंह और नाक या आंख के थ्रू एंटर करता है। किसी को स्किन के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू हमारे एंटर नहीं करता, सिर्फ मुंह से, नाक से और आंख से ये एंटर कर सकता है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को नहीं टच करते हैं या इन तीनों चीजों को कवर करके रखते हैं तो हम इस कोरोना से बच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये समझाना है कि ये सिर्फ 3 एंट्री पॉइंट है कोरोना की हमारी बॉडी के अंदर, जिनसे ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें इन्फेक्ट कर सकता है। मुंह से बचने का और नाक से ना एंटर कर पाए उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप एक अच्छा सा 3 लेयर मास्क अपने बच्चों को दीजिए जो वो हमेशा लगा के रखेंगे। वो सबसे सिंपल तरीका है और सबसे सेफ तरीका है। अप टू 90-98% तक आप अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं अगर वो प्रॉपर मास्क वियर करते हैं तो। दूसरा, अगर आंख पे अगर वो चश्मा लगाते हैं तो वैसे ही प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप बोलिए जब भी वो आंख की तरफ हाथ लेके जाएं तो अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। जब भी आप वो मास्क उतारें उससे पहले वो बच्चे अपने हाथों को सैनिटाइज करें, उसके बाद साइड से पकड़ के मास्क को उतारें। अगर मास्क डिस्पोजेबल है तो उसको हल्का सा उसको रिमूव कर सकते हैं, या अगर कपड़े का है तो उसको सैनिटाइज करें, 2 मिनट के रख लें। वो अपने लंच ब्रेक या उसमें कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, उसके बाद वो दोबारा लगा सकते हैं। अगेन सेफ्टी क्या है कि यहां से लगा के ऐसे लेके आना है, उसको नाक के पास जो उसका बाहर वाला एरिया है वो नाक के पास लेके नहीं आना है। तो प्रॉपर मास्क को लगाना, हैंड सैनिटाइजर हर बच्चे को आप दीजिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर जो वो अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, यस स्कूल वालों को ये इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट ने दे दिए हैं सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, वो दे हैव टू फॉलो दैट। दे विल ट्राई टू मेंटेन, बहुत ज्यादा क्लोज सेटिंग में क्लासेस ना करें, कोशिश करें अगर एसी एनवायरमेंट से बाहर करके, आजकल बहुत ज्यादा वेदर वो नहीं है, खिड़कियां खोल के वेंटिलेशन के साथ अगर क्लासेस रखते हैं तो दैट विल बी वेरी सेफ। ये सब चीजें हैं जो आप जो आपके अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, किसी से फिजिकल कॉन्टेक्ट अवॉइड करना है, फिजिकली टच नहीं करना किसी को, गलती से कोई टच कर जाता है तो आपको इमीडिएटली हैंड सैनिटाइज करना है, अपना मास्क उतारने से पहले, अपना मास्क चढ़ाने के बाद भी अपने आपको हैंड सैनिटाइज करना है, आप कुछ खाते हैं स्कूल में पानी पीते हैं उसके बाद भी अपना हैंड सैनिटाइज करना है, आप अपना हाथ बिना सैनिटाइज किए इस एरिया में लेके नहीं जाएंगे। तो ये कुछ बुनियादी ट्रेनिंग है जो आप अपने बच्चों को बिल्कुल दीजिए, चाहे वो 5 साल का है, चाहे 6 साल का है, चाहे वो 12 साल का है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपके हाथ में है, अपने बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते रहिए, एक अच्छी डाइट एंश्योर कीजिए, वो एक अच्छी नींद ले रहे हैं एंश्योर कीजिए, उनको कुछ आउटडोर गेम्स खिलवाइए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप प्रिकॉशन लेके आप अपने बच्चों को बहुत सेफली स्कूल भेज सकते हैं, बिल्कुल कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। आई विश आवर चिल्ड्रन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।